हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपना एसएससी जीडी भर्ती 2024 की यहां पर तैयारी में लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, कल 20 मार्च 2024 को एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर एक नोटिस आया था। उस नोटिस के अंदर यह लिखा हुआ था कि जो जितने भी 16,000 प्लस कैंडिडेट है उनका एग्जाम वापस होगा, मतलब री एग्जाम होगा। अब उनका री एग्जाम क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, जब भी एग्जाम लगा था 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में, ठीक है, उस बीच में क्या हुआ था, बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उनका एग्जाम यहाँ पर खराब हो गया था, या ऐसा माने कि उनका एग्जाम ही नहीं लगा था। तो इस वजह से एसएससी ने सोचा कि उनका एग्जाम वापस कंडक्ट करवाया जाए। तो फ्रेंड्स, अब ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो जिनका कहना है कि अभी आंसर की नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, सारी कुछ न्यूज इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं, सारी जितने भी डाउट है आपका इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा कि भाई आपके आंसर की कब आएगी और कब से आप अपना आंसर की चेक कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, सारा कुछ जानने के लिए वीडियो को एक लाइक कीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यह है आपकी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट और इसके ऊपर कल 20 मार्च 2024 के दिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोटिस आया था जिसके अंदर लिखा होता री एग्जाम। और इस नोटिस के अंदर क्या लिखा हुआ था कि जितने भी 16,000 कैंडिडेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका यहाँ पर एग्जाम री एग्जामिनेशन होगा। मतलब यहाँ पर जिनका भी 20 फरवरी 2024 से लेकर 7 मार्च 2024 के बीच में एग्जाम था और टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, उन कैंडिडेट का 30 मार्च 2024 को एग्जाम वापस करवाया जाएगा और उनका यहाँ पर लिस्ट भी दे रखा था। तो फ्रेंड्स, ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट चल रहा है कि सर अब आंसर की आएगी या नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, आंसर की यहाँ पर 30 मार्च 2024 यह है आपकी एग्जामिनेशन की डेट और इस डेट से पहले पहले आपकी आंसर की आने का बहुत कम चांस है, मतलब न के बराबर चांस है। ये किस हिसाब से बता रहा हूं फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जितना भी यहां पर एसएससी एग्जाम करवाती है उसमें सभी का रिजल्ट, सभी की आंसर की और सभी की ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जितनी भी प्रोसेस होती है वो सभी की एक साथ होती है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा थोड़ी होता है कि भाई जैसे 50,000 की वैकेंसी है, 25,000 की आंसर की एक बार में निकाली गई, 25,000 की आंसर की एक बार में निकाली गई और उसके बाद में ज्वाइनिंग के लिए आधे आधे कैंडिडेट को बुलाया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। या तो सभी का रिजल्ट एक साथ निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा, मतलब आंसर की या तो सभी के साथ ही निकाली जाएगी, ये आप अपने माइंड के अंदर रखिए। तो मेरे हिसाब से बता रहा हूं फ्रेंड्स, ये अब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं कि जो आंसर की है वो 30 मार्च के बाद ही आने वाली है, मतलब 30 मार्च से पहले पहले आंसर की आने का बहुत कम चांस है, क्योंकि यहाँ पर 16,000 प्लस कैंडिडेट का यहाँ पर री एग्जाम होगा और वो री एग्जाम क्यों हो रहा है, क्योंकि उनकी जो एग्जाम था उस एग्जाम को देने के समय टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उनका एग्जाम वापस हो रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट का मानना है कि सर क्या हमें फिजिकल की तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, फिजिकल की तैयारी है वो आपको करना चाहिए। कि अब बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि कितने नंबर वालों को करना चाहिए, तो जितने भी हिंदी स्टेट है उन हिंदी स्टेट वाले कैंडिडेट में जैसे जिनका भी 115 से लेकर 120 तक नंबर बन रहा है उनको अभी से फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। और जितने भी नॉन हिंदी स्टेट उनका अगर लगभग 55 से लेकर 60 नंबर तक अगर उनका बन रहा है तो उनको यहां पर फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपके साथ एसएससी एक बहुत बढ़िया एक गंदा गेम खेल रही है। ये कैसे, किस हिसाब से बोल रहा हूं कि क्योंकि आप सभी को पता है एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के कैंडिडेट के साथ क्या हुआ था कि यहां पर रिजल्ट बहुत लेट निकाला गया था और उसके तुरंत बाद फिजिकल की डेट दे दी गई थी, मतलब मात्र 10 दिन का यहां पर फिजिकल के लिए बच्चों के पास समय मिला था। और इस बीच में यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनका पेपर में बहुत बढ़िया नंबर था लेकिन यहां पर फिजिकल की तैयारी उनसे नहीं हो पाई थी। तो फ्रेंड्स, ऐसा गलती आपको एसएससी जीडी में नहीं करना है, क्योंकि इन कैंडिडेट के साथ एक बार ये गलती हो चुकी है और इन्होंने उस समय ध्यान नहीं दिया था, फिजिकल की तैयारी शुरू नहीं की थी, क्योंकि उनका मानना था कि भाई 10 दिन के अंदर फिजिकल बिल्कुल भी नहीं हो सकता और वही हुआ, 10 दिन के अंदर फिजिकल भी हुआ और उनको देना पड़ा। बहुत सारे कैंडिडेट रह भी गए थे और उसके अंदर सीटें खाली गई थी। तो फ्रेंड्स, एसएससी जीडी के अंदर भी लगभग 26,146 पद है और अगर आप अभी से फिजिकल की तैयारी शुरू करते हैं तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा फ्रेंड्स, मेरा मानना है, क्योंकि यहाँ पर एसएससी जीडी की जो 5 किलोमीटर की रनिंग है वो आपको 24 मिनट के अंदर क्लियर करना होता है। अब यहां पर अगर 5 किलोमीटर आप 24 मिनट में क्लियर करोगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप 10 दिन के अंदर क्लियर कर लोगे। ऐसे बहुत कम स्टूडेंट है जो आर्मी की तैयारी करते हैं वो ऐसा कर सकते हैं और वो भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद में कर सकते हैं।
तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा लगभग 115 से 120 नंबर हिंदी स्टेट वाले कैंडिडेट का बन रहा है, तो उनको अभी से फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि 5 किलोमीटर रनिंग इतनी आसान रनिंग नहीं है। आप एक से दो दिन के अंदर 5 किलोमीटर रनिंग नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको धीरे धीरे अपना टाइमिंग बनाना पड़ेगा, शेड्यूल बनाना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और दौड़ना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग आपकी क्लियर हो पाएगी। और अब ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सर जब भी आंसर की आएगी हमारे को पता कैसे चलेगा? तो फ्रेंड्स, आंसर की के लिए आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूं, जो ये एप्लीकेशन है, आपको प्ले स्टोर के ऊपर जाना है और यहां पर आंसर की चेकर नाम से एक एप्लीकेशन है, ये आप देख सकते हैं। अगर आपने पहले से इसको डाउनलोड कर रखा है तो इसको अपडेट कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद में जैसे आप इसको अपडेट करके ओपन करते हैं तो यहां पर सबसे पहले आंसर की यहीं पर आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको पता कैसे चलेगा मैं यहां पर बता देता हूं, जब भी आंसर की आएगी इस प्रकार का इंटरफेस इस एप्लीकेशन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको रोल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और कैप्चा यहां पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करना है, आपकी आंसर की एक ही क्लिक के अंदर आपके सामने होगी, ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार आपकी आंसर की आपके सामने होगी, यहां पर आपको बता दिया जाएगा कि कितना नंबर बना है, कितना अटेम्प्ट किया है, कितना करेक्ट किया है, कितना अनकरेक्ट किया है, कितना अनअटेम्प्ट किया है। इसके साथ साथ आपको अपना नॉर्मलाइजेशन स्कोर भी यहां पर पता चल जाएगा। इसके साथ साथ आपको जैसे अपना ऑल इंडिया के अंदर आपकी क्या रैंक है वो पता चल जाएगा। इसके साथ साथ अभी हमने इसके अंदर एक अपडेट किया है, इस अपडेट के अंदर आप अपना स्टेट वाइज रैंक भी देख सकते हैं और अपना ऑल कैटेगरी ऑल शिफ्ट के अंदर रैंक देख सकते हैं। इसके साथ साथ अपनी शिफ्ट के अंदर हाईएस्ट मार्क कितने बने, एवरेज मार्क कितने बने, लोएस्ट मार्क कितने बने, ये सारा कुछ चेक कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन के अंदर आप अपना नॉर्मलाइज स्कोर भी चेक कर सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है। इसके बाद में इस एप्लीकेशन को अगर आप अपना आंसर क्यू का रिव्यू करना चाहते हैं कि मेरा कौन सा क्वेश्चन सही हुआ है, कौन सा गलत हुआ है, तो ये भी आप अपना चेक कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर लेना है और प्ले स्टोर से भी आप इसको कर सकते हैं। अब रही बात आंसर की, तो आंसर की का मैंने आपको बता ही दिया, 30 मार्च से पहले पहले आंसर की आने का बहुत कम चांस है। तो अभी से अपना फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, मेरा बार बार यही कहना है, क्योंकि दिल्ली पुलिस वाले कैंडिडेट के साथ जो हुआ था वो आपके साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो 30 मार्च आपकी आंसर की 30 मार्च के बाद ही आने का पूरा चांस है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो फ्रेंड्स कट ऑफ का मैंने एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने बताया कि आपका कट ऑफ जैसे बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया, इसके साथ साथ सभी कैटेगरी और सभी 28 राज्यों का मेल और फीमेल का वीडियो मैंने बना रखा है। अगर वो वीडियो आप देखते हैं तो उस वीडियो के अंदर आपको एक सटीक अंदाजा बन जाएगा। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको फिजिकल की कटऑफ बताई है। बहुत सारे कैंडिडेट मेरे को बार बार कमेंट करते हैं कि सर वो कटऑफ फिजिकल की है या आप मेरी फाइनल कटऑफ है, तो वो कटऑफ है वो आपकी फिजिकल की कटऑफ है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो फिजिकल की कटऑफ हमने वीडियो बना दिया है, वो आप जाके देखिए और जो भी डाउट है इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।